सो गाइस आई एम ऑल सेट टू गो, बारिश भी रुक चुकी है एंड हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो सबसे पहले हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी संडे एज वेल। संडे आज है, तो गाइस आज का प्लान कुछ ऐसा है। पहले मुझे जाना है अपने ससुराल, उससे पहले मैं सोच रही थी एक बार संडे मार्केट विज़िट कर लूँ और आपको भी दिखाऊँ संडे मार्केट का भी क्या क्या कलेक्शन है। एंड ये है मेरी मेहंदी। और हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ संडे मार्केट लगेगा कि नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे टाइम में बहुत कीचड़ हो जाता है वहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए शायद ही संडे मार्केट लगेगा। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगा तो हम डायरेक्ट जाएंगे, मतलब ससुराल जाऊंगी उसके बाद डायरेक्ट। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, झाड़ू पोछा भी हो गया है, अभी मुझे करना है पूजा एंड मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और हाँ, बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी, मैंने जल्दीबाजी में लगाई। ये देखो पीछे मैंने बुमरो डिज़ाइन लगाया, सिंपल, जल्दी सूख जाए इसलिए मैंने। पूजा भी हो गई है और बेबी मेरा बाहर है, ये तो इतना बाहर खेलने के लिए कुछ करता रहता है। वो देखो, एक मिनट आपको दिखाते हैं, ये देखो इसको कोई डर नहीं है, ये ऐसे चले जाता है, ऐसे चले जाता है ये। गाइस शायद ये संडे मार्केट आज खुला होगा क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, रिमझिम रिमझिम बारिश। अभी मैं देखो ना, मैंने हेयर ड्राई किया अपना, क्योंकि अभी बारिश में बाल सूखना इतना मुश्किल हो जाता है ना, और हेयर ड्राई किया देखो कैसा रखा है। तो हमारा संडे मार्केट वाला प्लान तो कैंसिल है, लेकिन जैसे पानी रुक मतलब बारिश रुकेगी हम लोग जाएंगे, निकलेंगे यहाँ से। और मेरा मैं अभी रेडी होंगी। गाइज आई एम रेडी, बारिश भी रुक गई है और मेरा बेबी भी रेडी है। ये ड्रेस इसकी इतनी कूल है ना, मेरी मम्मी ने खरीद दिया था ये जूडियो से, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, एकदम कूल, मुझे बहुत पसंद है। लूज टी शर्ट एंड लूज पजामा, ये मेरे पीछे पीछे आएगा। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ अपने घर और देखो यार कितना खाली खाली लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे था टीवी, जो टीवी अब वहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत खाली खाली सा लग रहा है ये कमरे में आके, और अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी टाइम बाद अपने रूम पे आके। अभी बारिश होने जैसी हो रही थी लेकिन मैं फिर नहीं गई संडे मार्केट, मैंने सोचा था बंद हुआ क्या पता, पर मैं कोशिश करूँगी कि जाते टाइम मैं देखूँ, अगर खुला हुआ था एक बार मैं घुस जाऊँगी वहाँ पे। खाना वगैरह तो मेरी सासू माँ ने बना के रख दिया है, तो फिर अभी मैं अपने रूम पे आई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। बेबी नीचे खेल रहा है और मेरे हस्बैंड भी नीचे ही है और मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे इतना फ्रॉन्ट करने का मन कर रहा है अपनी मेहंदी, अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पेड़ बताई दो कति पुरानो है, ये पेड़ कति पुराना बताई दो, पेड़ बहुत पुराना है। ला उठ गाइस, हाँ आज मैं आपको बल फूल दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, ये देखो आई थी आई जा, ये फूल सब बंद, ये फूल सबसे अच्छा है। कभी खुशी बात हो, कितना खुश हो रहा है बीबी। हाय दादा, नोटी इसको वहरो के बन जाए वो कर जैसा। बाबू रेडी जाने लगे, कौन से लाला मेरे बाबू ने, कौन से लाला मेरे बाबू ने, इधर घर पहुंच गई हूँ और रास्ते में तो बारिश हो रही थी, वीडियो कुछ नहीं बनाया, ना ही संडे मार्केट गई क्योंकि संडे मार्केट भी नहीं लगा था। और मुझे लगता है संडे मार्केट शायद कहीं और लगेगा आपसे, तो वो भी प्लान कैंसिल हो गया था। उसके बाद डायरेक्ट घर से डायरेक्ट यहीं आई हूँ, घर ही आई हूँ, रेस्ट किया थोड़ा, उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब थोड़ा वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। और अभी आई हूँ दीदी की बेटी खेलने के लिए मेरे बाबू के साथ, तो दोनों लगे हैं खेलने के लिए। और देखो इन्होंने एक साइकिल जो मेरी बेबी की आई थी
कुछ और ही यूज हो रही है, मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। ये देखो इन्होंने साइकिल में पांडा बिठा रखा है और ये दोनों वहाँ खेल रहे हैं और यहाँ पे साइकिल में इनको बिठा रखा है। इनको इतना बाहर जाने का मन कर रहा है ना, अभी इतना बाहर जाने का मन कर रहा है मैं क्या बताऊँ, लेकिन अभी तो नहीं ले जाऊँगी, इनको थोड़ी देर बाद ही लेके जाऊँगी बाहर। बाहर छोड़ दिया तो इधर से उधर भागेंगे फिर, और मैं इतनी थक चुकी हूँ आज, तो फिर अभी थोड़ी देर में ही ले जाऊँगी इनको थोड़ा सा और रेस्ट करके। एंड गाइस पता नहीं आज का क्यों इतनी थकान लग रही है, शायद वेट गेन हो गया है इसलिए लग रही है, और बैक पेन इतना होता है ना क्या बताऊँ आपको, और इसलिए वेट गेन हो गई तो। लेकिन अभी मैं बेबी को फीड कराती हूँ तो मैं नहीं कर सकती वेट लूज़ और डाइटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकती अभी, इसलिए मुझे खाना खाना ही पड़ता है जितनी भूख लगती है। तो मैं सोचूँ जब बाबू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करूँगी। सो गाइस मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि मोमो खाना है, तो मेरे पास सिर्फ एक लौकी थी तो छोटी सी, तो मैंने ये तैयारी करके रख दिया है, मैं दिखाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ लौकी का मोमो, और एक ही लौकी थी वो भी कम ही बना है, देखते हैं। अब न्यूट्री मंगाती हूँ मैं पीसी वाले, तब बनाऊँगी। गाइज वन मोर थिंग, आपको याद होगा एक शार्क टैंक में आए थे झाजी अचार, तो मैंने काफ़ी रिव्यू देखा था उसका, तो मैंने पिकल मंगाया था, वो भी सैम्पल पैक मंगाया था ताकि मैं देख सकूँ कौन सा टेस्टी है, तो मैं आगे वही मंगाऊँगी। तो मुझे पार्सल रिसीव हो गया है, देखो झाजी टेस्ट ऑफ मिथिला सैम्पल पैक है, तो मैं इसको आपको अभी खोल के दिखाऊँगी। पहले मैं थोड़ा सा मोमो का जो चटनी होता है वो सब बना लूँ, उसके बाद मैं तसल्ली से आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इतना लेट तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मोमो बनाओ और फिर वो ऐसी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी तैयारी किया और अभी मैदा भी गुनना है, चटनी भी नहीं बना, और बाकी वो तो बन गया, अभी न्यूट्री भी मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया लेने के लिए, तो वो लेके आएंगे, उसके बाद फिर बाकी फिर हम दोनों मिलके ही स्टार्ट करेंगे काम करना, क्योंकि अभी तक तो बेबी को ही संभाल रही थी क्योंकि बिल्कुल नहीं देता वो काम करने के लिए, इसलिए अब सोच रहे हैं थोड़ा सा हम यहीं पे बैठ के, अब हम बैठ के आराम से मोमो की जो फिलिंग होती है बाकी सब प्रोसीजर आगे करेंगे। तो फिर ये है झाजी अचार, एक बार मैं आपको ना बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ और फिर थोड़ी देर में ही मैं फिर दिखाऊँगी आपको कैसा है और टेस्ट कैसा है, सब बताऊँगी आपको। तो गाइज इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, मतलब सामने ही पता चल रहा है कि हाँ झाजी वाला अचार है इसमें ना, तो हमारा मोमो का पूरा सब कुछ रेडी हो गया, अब बस बनाना बाकी है। मैं बेलूंगी और मेरे हस्बैंड शेप देंगे मोमो को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टीम होने के लिए रख दी है, ये टू इन वन वाला बर्तन है, इसमें इडली भी बनता है और इसमें मोमो भी बनता है, पर इसमें एक गलत चीज़ ये है, इसमें सिर्फ मोमो का एक प्लेट ही दे रखा है, एक ट्रे ही दे रखा है इन्होंने, और इडली के दो दो प्लेट है, तो और लेकिन हम तो तीन जने, बाबू खाते नहीं है और मैं और मेरा हस्बैंड खाने वाले हैं, तो इसमें हो जाता है हमारा। गाइस मोमो इज़ रेडी एंड यहाँ है चटनी,
और ये है मोमो। अब हम इसे खाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं कल ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी और आज है सावन का फर्स्ट मंडे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को विश भी कर दूँ और ब्लॉग की एंडिंग भी कर दूँ। तो आप सभी को सावन के फर्स्ट मंडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हर हर महादेव। एंड सो गाइज, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।